एक बड़े शहर में सभी लोग खुशी खुशी रह रहे थे और उनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन कुछ ही देर में इस शहर में रह रहे इन सभी लोगों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। उस शहर के पास एक डरावना सा पहाड़ी इलाका था जहां एक कई साल पुराना ज्वालामुखी भी था। एक दिन वह ज्वालामुखी सक्रिय हो जाता है और उसके अंदर से ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। उस ज्वालामुखी में से एक एक करके कुल 3 ड्रैगन्स बाहर निकल कर आते हैं। वो सभी ड्रैगन्स बहुत भूखे थे और वह केवल इंसानों को खाना ही पसंद करते थे, और इसीलिए सभी ड्रैगन शहर की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि वह इंसानों का शिकार कर सके। जब वह सभी ड्रैगन्स शहर में पहुंचते हैं तो वह इंसानों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, और जब उन्हें बहुत कम इंसान शहर में दिखाई देते हैं तो वह पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इन सभी ड्रैगन्स को देखकर शहर के लोग बहुत डर जाते हैं और शहर में भगदड़ मच जाती है। वह ड्रैगन्स इंसानों को भी बारी बारी से खाने लगते हैं। कुछ समय में यह बात वहां की सरकार को पता चलती है और कुछ ही देर में वहां मिलिट्री फोर्स पहुंच जाती है। सभी सोल्जर्स उन ड्रैगन्स पर फायर करने लगते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। जब मिलिट्री फोर्स ड्रैगन को चारों ओर से घेर लेती है तब ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है, तो वह उन सभी सोल्जर्स को जलाकर मार देते हैं। वह सभी सोल्जर्स उन ड्रैगन्स के हाथों बेरहमी से मारे जाते हैं, और इसके बाद तो वह बिल्कुल नहीं रुकते और तबाही मचाते रहते हैं। वह सभी सोल्जर्स मारे गए, यह बात उनके सुप्रीम कमांडर को पता चलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस शहर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अगर हमने इन मॉन्स्टर्स को जल्द से जल्द काबू नहीं किया तो ये बाकी शहरों को भी इसी तरह तबाह कर देंगे, इसीलिए हमें इन्हें रोकने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। सर, क्यों ना हम इस शहर पर एक न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दें, उससे सभी मॉन्स्टर्स एक साथ ख़त्म हो जाएंगे। वाह, क्या आइडिया है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा कि उन न्यूक्लियर मिसाइल से हमारा क्या होगा? नहीं सर, बेवकूफ़ कहीं के, उस मिसाइल से हम सब भी मारे जाएंगे। सॉरी सर। सर, अगर हम इस शहर को पूरी तरह से खाली करा दें और फिर उस न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा? लेकिन तुम क्या सोचते हो, इतने बड़े शहर को खाली कराना क्या कोई बच्चों का खेल है? सर, क्यों ना हम एक रोबोट बनाएं जो बहुत पावरफुल हो, और हम उनसे उन मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा सकते हैं। सर, गुड आइडिया, हम जल्द से जल्द वहाँ एक रोबोट भेजेंगे। सभी सोल्जर्स एक मेगा रोबोट बनाकर उसे शहर में भेजते हैं। ड्रैगन्स उस रोबोट को देखकर हैरान हो जाते हैं, उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। थोड़ी ही देर में रोबोट एक एक करके उन ड्रैगन्स को मारना शुरू करता है। ड्रैगन्स का रोबोट के सामने टिक पाना नामुमकिन था। उनमें से एक ड्रैगन अपने महाराज को पुकार कर बुलाने लगता है। कुछ ही देर में उन ड्रैगन्स का महाराज उस जगह पहुंचता है जो कि दिखने में बहुत ही खूंखार और डरावना था। वह दानव उस रोबोट को दूर खड़ा देखने लगता है और भागकर उस पर हमला कर देता है। रोबोट पर इतने वार होने के बावजूद भी वह फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार रोबोट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और फिर उस दानव को मारने के लिए एक जादुई तलवार को लाता है।
रोबोट उस दानव को उस तलवार की मदद से बीचों बीच से काट देता है और फिर इस तरह उस दानव का अंत होता है। एक दिन चिंटू सड़क पर भागता रहता है और भागते भागते एक जादूगर से जाकर टकरा जाता है। जब वह जमीन पर गिरता है तो जादूगर की शक्तियाँ चिंटू के अंदर आ जाती है। वह जादूगर कहता है, अरे बेटा इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हो, अभी मुझे लगते लगते बची, थोड़ा धीरे धीरे चलो, ऐसा कहकर उसे डांटने लगता है। फिर चिंटू माफी मांगकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां एक कार तेज रफ्तार से आ रही थी। उस कार के ब्रेक फेल हो गए थे और वह चिंटू को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी चिंटू के चारों तरफ एक जादुई कवच बन जाता है और वह कार वहीं रुक जाती है। चिंटू बाल बाल बचता है और वह अचानक वहां से गायब हो जाता है। चिंटू की शक्तियों का इस्तेमाल होने की वजह से वह एक अनोखी जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। चिंटू ऐसी डरावनी जगह पर पहुंचकर चौंक जाता है। तभी चिंटू को एक रास्ता दिखाई देता है और वह उसकी तरफ दौड़ने लगता है। वह रास्ता देखने में बहुत डरावना था और चिंटू अंदर जाने से डर रहा था और वह मन ही मन कहता है, शायद यही मेरे घर जाने का रास्ता है, अब यहीं से मैं घर जा सकता हूँ। और फिर वह अंदर जाने लगता है। जब चिंटू अंदर पहुँचता है तो उसे एक तरबूज दिखाई देता है जिसमें से रोशनी निकल रही थी। चिंटू उस तरबूज को देखता है और सोचता है कि आखिर यह तरबूज किसका है। चिंटू उस तरबूज को उठाने ही वाला था कि तभी वह तरबूज आकार में बहुत बड़ा हो जाता है। वह तरबूज बहुत तेज रफ्तार से घूमने लगता है और एक वाटरमेलन रोबोट में बदल जाता है। वह वाटरमेलन रोबोट आकार में बहुत बड़ा था। वह रोबोट चिंटू की तरफ देखने लगता है। चिंटू उस रोबोट को देखकर बहुत डर जाता है। जब चिंटू रोबोट को देखकर डर जाता है तो वह रोबोट कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम खो गए हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम मुझे मेरे घर पहुँचा सकते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित पहुँचा दूंगा। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर वह रोबोट चिंटू को पहाड़ के ऊपर ले जाता है। चिंटू सोचने लगता है कि आखिर यह रोबोट मुझे पहाड़ पर क्यों लाया है। तभी वह वाटरमेलन रोबोट चिंटू को पहाड़ से खाई में फेंक देता है। चिंटू जब खाई में गिर रहा होता है तभी उस जादुई दुनिया का एक अच्छा रोबोट आकर उसे बचा लेता है। वह रोबोट चिंटू को सुरक्षित जमीन पर उतारता है। उस रोबोट की वजह से चिंटू बाल बाल बचता है। चिंटू को नीचे उतारकर वह रोबोट उससे कहता है, वह एक बुरा रोबोट था और वह तुम्हें मारकर तुम्हारी शक्तियां छीनना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। तभी उसके पीछे वह रोबोट आ जाता है और चिंटू उस रोबोट को देखकर बहुत डर जाता है। वह वाटरमेलन रोबोट उस रोबोट पर पीछे से हमला कर देता है और फिर उन दोनों में एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर तक फाइट चलती रहती है। आखिर में वाटरमेलन रोबोट हार जाता है। वह रोबोट चिंटू को गांव लेके जाने लगता है और चिंटू के घर पर पहुंच जाता है। चिंटू अपने घर पहुंचकर बहुत खुश होता है